हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर गेटअप क्लासेस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में 15 जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, आज स्टैटिक्स जीके है दोस्तों, जो आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जो आने वाले एग्ज़ाम है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सब में मतलब आपको काम देगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखेंगे वीडियो दोस्तों, तब आपको इस स्टेटस जीके आपको फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो पहला सवाल है दोस्तों आपका है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी, ये सवाल है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में तांबा, बी में लोहा, सी में चांदी, डी में सोना। तो आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोहा। क्या आंसर होगा दोस्तों? लोहा, बी नंबर। इसका बी नंबर दोस्तों आंसर होगा, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी लोहा। अब सवाल आपसे पूछेगा दोस्तों कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसको मतलब क्या कहा गया, ये सवाल है। मतलब ये पूछेगा कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था दोस्तों। अब दूसरा क्या पूछेगा आपसे कि तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था दोस्तों। तांबे को लोहित, यहाँ पे लोहित होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अब पूछे आपसे कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। आर्यों द्वारा प्रिय पशु पूछेगा घोड़ा, आर्यों द्वारा प्रिय पशु का नाम घोड़ा, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन से पकड़ेंगे आप लोग तो क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? 14 दिसंबर दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब आपसे क्या पूछा है कि 1 दिसंबर को, आपसे परीक्षा में पूछ दे कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस। अगर आपसे पूछ दे कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगर आपसे पूछ दे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 दिसंबर दोस्तों, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, और आपका 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि ऋग्वेद में, तीसरा नंबर सवाल क्या बोला है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, ये सवाल है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में सरस्वती, बी में सिंधु नदी, सी में गंगा नदी और डी में गंडक नदी। तो आंसर बताएंगे, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर, गंगा नदी। गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है दोस्तों। अब देखेंगे ऑप्शन से पकड़ेंगे हम लोग, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर आपसे पूछ दे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। बहुत पूछता है सवाल, मोस्ट है, पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखेंगे सरस्वती। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि ऋग्वेद में जमुना नदी का उल्लेख कितने बार हुआ, तो 3 बार हुआ दोस्तों। कितने बार? 3 बार। अगर आपसे पूछ दे कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ, तो सिंधु नदी दोस्तों। कितना, कौन सा? सिंधु नदी। फिर से रिपीट करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद में जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल 4 नंबर क्या बोल रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है, ये सवाल है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में
मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर याद रखेंगे इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसके आंसर क्या होगा वी नंबर यानी दो, गुजरात। गुजरात आंसर होगा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों गुजरात। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि जो चंपानेर चंपानेर पावागढ़, क्या बोल रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल गुजरात में पंचमहल में, पंचमहल जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे पंचमहल पढ़ेंगे हम लोग, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल जो है गुजरात में पंचमहल जिले में स्थित है, यानी कहने का मतलब कि यूनेस्को द्वारा ये घोषित किया गया है विश्व धरोहर में शामिल है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में, गुजरात में दोस्तों याद रखेंगे। अब इस पूछा कि चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व है इसका मतलब किसने बनाया था दोस्तों, तो गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बनाया था, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बनाया था चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को दोस्तों, इस तरह याद याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि पांचवा नंबर गांधी इरविन समझौता, बहुत मोस्ट है, गांधी इरविन समझौता के समय किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये सवाल है। गांधी इरविन समझौता के समय किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में दांडी मार्च, सी में असहयोग आंदोलन, डी में खेड़ा आंदोलन दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पे पूछा गांधी इरविन नहीं, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 मार्च, बोल रहा है कि 4 मार्च, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब से पूछ दे गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 4 मार्च 1931 को, तो कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा है, सविनय अवज्ञा आपसे पूछेगा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, अगर पूछे कि 5 मई 1930 को मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो महात्मा गांधी को, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अब क्या पूछा है कि लॉर्ड इरविन के समय में, आप पूछे लॉर्ड इरविन के समय में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, लॉर्ड इरविन के समय में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था जो लंदन में उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, कौन सी सम्मेलन भाग लिया, तो गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लिया था कांग्रेस ने दोस्तों, याद रखेंगे। और याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था दोस्तों, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोस्तों याद रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, और तीनों क्या बोलते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति के नाम पूछे, भारतीय व्यक्ति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 1930 में हुआ था दोस्तों, तो इस तरह याद रखेंगे ऐसे। और थोड़ा सा देख लेंगे इसमें हम लोग, देख लेंगे कि इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन ऑप्शन में क्या बोला था, चारों जो ऑप्शन यानी ऑप्शन क्या बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लियर 1930, दांडी मार्च 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और खेड़ा आंदोलन 1918, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह ऑप्शन से पकड़े गांधी इरविन समझौता के समय, तो आपका क्लियर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तो इसे यानी ये आंसर होगा आपका गांधी इरविन समझौता के समय कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों कि जो साइमन कमीशन भारत आया था, जो बम्बई आया था, वो लॉर्ड इरविन के समय में आया था दोस्तों, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और इस एक और पूछता है जो जतीन दास जो था क्रांतिकारी व्यक्ति, वो लॉर्ड इरविन के समय में ही जो लाहौर जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी जतीन दास की, याद रखेंगे दोस्तों किसके समय, लॉर्ड इरविन के समय में। चलते हैं नेक्स्ट, 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि विश्व बोल रहा है कि विश्व विश्व बोल रहा है कि विश्व डोपिंग
क्या बोल रहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी में बांग्लादेश, सी में नीदरलैंड, डी में यूएई। तो आंसर बताएंगे इसका क्या हुआ, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय, वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर इसका होगा कनाडा दोस्तों। क्या होगा? कनाडा। तो कनाडा इसका आंसर होगा दोस्तों, कनाडा। अब यहाँ पे देख लेंगे कि विश्व डोपिंग रोधी क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, विश्व डोपिंग रोधी एक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वाडा, WADA, WADA बोलते हैं, वाडा, वाडा होता है, WADA, वाडा। तो विश्व डोपिंग क्या बोल रहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मिशन सभी रूपों में खेल में डोपिंग, जिसको वाडा बोलते हैं दोस्तों, के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के समन्वय और निगरानी करना है। यानी जो दोस्तों यहाँ पे जो होता है विश्व डोपिंग रोधी जो है, जो जितने जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं जो खेल के समय में जो स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, दवा खाते हैं, उसकी जांच के लिए जो एक एजेंसी है दोस्तों, ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। आप ये देखेंगे यहाँ पे कि वाडा की स्थापना, नहीं विश्व डोपिंग एजेंसी की स्थापना पूछेगा, यानी कहने का मतलब कि वाडा की स्थापना कब हुई? तो 10 नवंबर 1999 में की गई थी दोस्तों। आप पूछ दे कि वाडा के संस्थापक कौन थे? तो वाडा के संस्थापक डिक पाउंड थे। वाडा के संस्थापक कौन थे? डिक पाउंड। जो आप याद रखें कनाडा, कनाडा में जो है आपका इसका मुख्यालय अगर दे दे कनाडा में कहाँ, तो मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ में कनाडा, अगर ऑप्शन नहीं दे तो आपका शहर का नाम है मॉन्ट्रियल, कहाँ में दोस्तों? मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में मुख्यालय है दोस्तों वाडा का मुख्यालय, यानी विश्व डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल। 1999 में स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब एक और पूछता है कि जो है कनाडा, कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। ओटावा कौन सी नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस। और कनाडा की मुद्रा क्या दोस्तों? डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आगे क्या बोला? सातवां, सातवां बोला कि भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? ये दोस्तों भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? ए में सांभर झील, बी में चिल्का झील, सी में डिडवाना झील, डी में वुलर झील। तो कौन सी आंसर होगा दोस्तों? ये आपका होगा सांभर झील। कौन सा होगा दोस्तों? ये नंबर सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर झील। तो दोस्तों याद रखेंगे, अब क्या, अब यहाँ पे देख लेंगे चिल्का, जो चिल्का झील जो है ना, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून। क्या पूछा? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून और तटीय खारे पानी की झील है दोस्तों। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील, चिल्का झील। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ? चिल्का, चिल्का हुआ उड़ता है, कहाँ? उड़ीसा। ऐसे पकड़ लें, चिल्का कहाँ में है? चिल्का झील उड़ीसा में। लैगून, लैगून क्या है पूछेगा? लैगून एक प्रकार का क्या है? झील है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछ दे, तो सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील दोस्तों सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील, वुलर झील, कौन सी है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिनों भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अब पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछ दे, तो लोकटक झील, जो मणिपुर में अवस्थित है दोस्तों। ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? आठवां नंबर, आठवां बोला किकली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये सवाल है आठवां नंबर, किकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में गोवा, बी में पंजाब, सी में गुजरात और डी में छत्तीसगढ़। तो बताएंगे आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट जल्दी से दोस्तों। और ये आंसर होगा क्या दोस्तों? गोवा। क्या आंसर होगा? सॉरी गोवा नहीं, सॉरी गोवा नहीं, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसका आंसर दोस्तों होगा पंजाब। कहाँ होगा? पंजाब में। किकली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? पंजाब। दो नंबर सवाल आंसर होगा इसका, ऑप्शन दो आंसर होगा। अब पूछ दे आपसे कि गोवा, गोवा जो है ना, गोवा जो है
अगर पूछ दे कि और गोवा के बारे में लोक नृत्य फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा। अगर ढकनी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा। आपको मालूम है गोवा की जो है आपको कौन सी नदी किनारे? मांडवी। कौन सी नदी किनारे? मांडवी। गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी। पणजी कौन सी नदी किनारे? मांडवी। कौन सी नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे दोस्तों। अब गुजरात, गुजरात पूछ दे गरबा डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का दोस्तों। अगर आपसे पूछे पंडवानी टपाली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी टपाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे इसको। चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट चलेंगे आप लोग। नौवा नंबर सवाल क्या है? नौवा नंबर दोस्तों बोल रहा है कि कॉमेट, कामेट पर्वत भारत किस राज्य में स्थित है? ये सवाल है, कामेट पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आंसर बताएंगे ए में ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में असम दोस्तों। तो आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, कामेट पर्वत भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा सी नंबर दोस्तों, उत्तराखंड। कौन सा आंसर होगा? उत्तराखंड दोस्तों, कामेट पर्वत। अब यहाँ पर देख लेंगे कॉमेट पर्वत जो है ना, कॉमेट पर्वत के बारे में पूछेगा। और क्या पूछेगा कि कॉमेट पर्वत जो नंदा देवी चोटी जो है ना, कॉमेट पर्वत जो है नंदा देवी के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कौन? कॉमेट पर्वत। तो कॉमेट पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे। आप पूछ दे कि यह उत्तराखंड के कौन से जिले में है कामेट पर्वत? तो चमोली में। कहाँ में? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है कामेट पर्वत दोस्तों। आप पूछ दे कि किस राज्य को फूलों की घाटी बोलते हैं दोस्तों? फूलों की घाटी। एक और सवाल बनेगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पूछेगा किस राज्य बोलते हैं? उत्तराखंड, कहीं उत्तराखंड के चमोली जिले को याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों कि दसवां नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों, दसवां नंबर कि महाराणा प्रताप सागर, क्या बोल रहा है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? महाराणा प्रताप सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश, डी में हिमाचल प्रदेश। तो बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में होगा दोस्तों। अब देखें यहाँ पे कि आप पूछ दे कि आपसे कि महाराणा प्रताप सागर को देखेंगे क्या सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बनेगा सवाल, सवाल यहाँ पर क्या बनेगा? महाराणा प्रताप सागर को क्या पूछे? महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसे 1975 में बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय। अगर आपसे पूछे कि पोंग जलाशय किस राज्य में, या आपसे पूछे पोंग डैम झील किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कब बनाया गया? 1975 में। और 1975 में याद रखेंगे सिक्किम भाई, जो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था दोस्तों, क्या राज्य? 22वां, 36वें संशोधन 1975 को याद रखेंगे। सिक्किम जो राज्य बना था भारत का याद रखेंगे 1975 में। एक सवाल और बन गया। अब सवाल के पूछे महाराणा प्रताप सागर जो बताएं कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर है दोस्तों। अब ये पूछे कि एक और सवाल पूछा, शिवालिक पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी। अब से आपसे और क्या पूछते दोस्तों, कुल्लू घाटी एक पूछता है, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू, कुल्लू घाटी पूछते किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी पूछता है परीक्षा में, तो सेब के लिए दोस्तों। किसके लिए? सेब के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और नया नाम क्या हुआ है? श्यामला, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्या बोल रहा है कि खापर खेड़ा, क्या बोल रहा है? खापर खेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? खापर खेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ए में गुजरात है आपका, बी में उत्तर प्रदेश दोस्तों,
सी में महाराष्ट्र, डी में तमिलनाडु। तो बताएंगे आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा आंसर दोस्तों, महाराष्ट्र। खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में होगा दोस्तों। अब चलेंगे इसमें क्या, अब महाराष्ट्र जो जनसंख्या पूछेगा, महाराष्ट्र जो है जनसंख्या में, जो भारत की जनसंख्या में दूसरा स्थान है दोस्तों, पहला यूपी, तीसरा बिहार। तो याद रखेंगे पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। 52वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, रामनाथ स्वामी मंदिर। क्या बोल रहा है, रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये सवाल आपका है दोस्तों। ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में असम। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे फटाफट। ये आंसर होगा तमिलनाडु। कौन सी आंसर होगा दोस्तों, तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में, तमिलनाडु में। सो सबसे दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु दोस्तों, याद रखेंगे। तमिलनाडु के बारे में और क्या पूछेगा, याद रखेंगे कि रामनाथ मंदिर जो है, रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है। कौन सी मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर, रामेश्वरम द्वीप पर स्थित जो है भगवान शिव को समर्पित करता है, समर्पित है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है, क्लियर है, पूछे किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आपसे पूछे कौन सी द्वीप पर है, तो रामेश्वर द्वीप पर, और किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब आपसे क्या पूछेगा कि जो है यह जो है जो रामनाथ जो मंदिर है, ये आपसे पूछ दे कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है ये आपका मंदिर दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। और तमिलनाडु में याद रखें नीलगिरी की पहाड़ी पूछते रहता दोस्तों, कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में दोस्तों, नीलगिरी तमिलनाडु में दोस्तों। आप पूछ दे कि नीलगिरी पर कौन सी जनजाति निवास करती है, टोडा, बडाका, ये सब निवास करती है। और नीलगिरी के नाम जो पड़ा, नीलकुरुंजी पुष्प के नाम पर नीलगिरी नाम पड़ा दोस्तों, जो 12 वर्षों पर ये पुष्प दिखाई देता है दोस्तों, नीलगिरी, नीलकुरुंजी पुष्प जिसको बोलते हैं, नीलकुरुंजी पुष्प जो नीलगिरी नाम पड़ा जो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडावेटा दोस्तों, याद रखेंगे, जो जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और आपको एक नीलगिरी जो पूछता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे, तो नीलगिरी की पहाड़ी में अवस्थित है दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। ठीक, क्लियर है, चलते हैं आज नेक्स्ट सवाल। 13 नंबर, डाबोलिम। क्या बोल रहा है कि डाबोलिम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, डाबोलिम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ए में है पश्चिम बंगाल, बी में महाराष्ट्र, सी में तेलंगाना, डी में गोवा। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों इसको, ये आंसर होगा गोवा। कौन सा आंसर होगा, गोवा। डाबोलिम हवाई अड्डा किस राज्य में, गोवा, याद रखेंगे। अब आपसे क्या पूछेगा इसमें दोस्तों, याद रखेंगे कि जो डाबोलिम, डाबोलिम हवाई अड्डा, डाबोलिम हवाई अड्डा या गोवा हवाई अड्डा, गोवा का एकमात्र हवाई अड्डा है दोस्तों। डाबोलिम हवाई अड्डा या गोवा हवाई अड्डा, गोवा का एकमात्र हवाई अड्डा है दोस्तों, और गोवा मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। गोवा कौन सी नदी के किनारे, मांडवी, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा, याद रखेंगे ये सवाल कि पणजी कौन सी नदी के किनारे, मांडवी नदी किनारे दोस्तों। आप पूछ दे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो कोलकाता में, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में अवस्थित है, तो कोलकाता में अवस्थित है दोस्तों। कोलकाता कौन सी नदी किनारे दोस्तों, तो हुगली नदी किनारे दोस्तों, याद रखेंगे हुगली नदी किनारे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो आपका कहाँ, अभी जो राजधानी तेलंगाना के जो है हैदराबाद में अवस्थित है। और पश्चिम बंगाल के बारे में पूछे कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों, याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका 14 नंबर क्या बोला दोस्तों, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है, कहाँ में अवस्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ, आज ज़्यादा मिक्स प्रिंट हुआ दोस्तों, इसके लिए क्षमा थोड़ा कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, यहाँ पे मैं लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में पेरिस,
वी में वियना, सी में लंदन और डी में न्यूयॉर्क। काम ए, तो कहाँ आंसर होगा दोस्तों? तो आंसर इसका दोस्तों कहाँ होगा? पेरिस। कहाँ होगा दोस्तों? पेरिस। किन्जमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। तो पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। लंदन किसकी राजधानी? ब्रिटेन की राजधानी है। और न्यूयॉर्क आपको मालूम है कि अमेरिका की शहर है। ऐसे अमेरिका की राजधानी जो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूर्ण रूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आप पूछते हैं पेरिस कौन सी नदी किनारे? सी नदी किनारे। वियना कौन सी नदी किनारे? डेन्यूब नदी किनारे दोस्तों। लंदन कौन सी नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे? हडसन नदी किनारे दोस्तों। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अबे इसमें क्या पूछेगा दोस्तों कि इसमें पूछेगा दोस्तों कि इसमें पूछ दे परीक्षा में कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और आपको क्या बोल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। और आपको क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे देखें हम लोग दोस्तों कंज्यूमर्स है क्या, इसके बारे में जो है ना, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है दोस्तों। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। और इसकी स्थापना पूछ दे तो 1 अप्रैल 1960 को थी दोस्तों। अगर इसे पूछ दे कितने देशों का ये समय है, तो 120 देशों में इसके 250 से अधिक सदस्य संगठन है दोस्तों। 120 देशों में से कितने? 250 अधिक सदस्य संगठन है दोस्तों। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या बोल रहा है? 15वां सवाल और लास्ट है। बोल रहा है कि एस एस अंगेस्ट आर्ट्स। क्या बोल रहा है कि एस अंगेस्ट आर्ट्स बोल रहा है ये सवाल है दोस्तों। एस अंगेस्ट आर्ट्स किसकी जीवनी है ये सवाल है दोस्तों। मैंने किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्जा, बी में युवराज सिंह, सी में मैरी कॉम और डी में मिल्खा सिंह। तो बताएंगे आंसर क्या हुआ दोस्तों। एस अंगेस्ट आर्ट्स किसने लिखी ये सवाल है। तो बताएंगे ये आंसर होगा सानिया मिर्जा। ये नंबर कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सानिया मिर्जा आंसर होगा इसका दोस्तों। आप इसमें पूछ दें कि एस अंगेस्ट आर्ट्स का विमोचन कब किया गया? 2016 में। एस अंगेस्ट आर्ट्स का विमोचन 2016 में किया गया था दोस्तों, जो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है दोस्तों। आपसे पूछ दें कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है दोस्तों। आप पूछ दें आपसे कि मेरी कॉम की कौन सी आत्मकथा है? मेरी कॉम तो अनब्रेकवेल। कौन सी है? अनब्रेकवेल। मेरी कॉम को सुपर मॉम बोलते हैं दोस्तों। सुपर मॉम किस खिलाड़ी को? मेरी कॉम को बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो अनब्रेकवेल किसकी आत्मकथा? मेरी कॉम मुक्केबाजी खेलती है और युवराज सिंह क्रिकेट से संबंधित है और सानिया मिर्जा टॉनी लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसमें। और दोस्तों अब इसमें देखेंगे कि जो 15 सवाल आपको लेकर आया, 15वां सवाल आपका मोस्ट है, इसलिए जब भी देखेंगे वीडियो तो शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे, तभी आपको फायदा करेगा दोस्तों इसमें। और दोस्तों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। और इसमें देखेंगे कि एक आवश्यक सूचना क्या है दोस्तों, कि जो है क्या बोलते हैं ग्रेडअप है कॉम्पिटेटिव क्लास गो की ओर से आपका जो 7:30 बजे से व्हाट्सएप चलाया जा रहा है दोस्तों। व्हाट्सएप पे चलाया जा 7:30 बजे से व्हाट्सएप क्यूज चलाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, व्हाट्सएप क्यूज चलाया जाता है दोस्तों। जो ग्रुप में जोड़ने के लिए आपका इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, जो 9006841117778। दूसरा नंबर है 9798134837 दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका 9006841778 ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। और ये आपका ये जो इस पर आप व्हाट्सएप ना कर रहे, व्हाट्सएप क्यूज जो चलाया जाता है 7:30 बजे से दोस्तों, व्हाट्सएप क्यूज जो चलाया जाता है उस पर आप जुड़ सकते हैं
और 7:30 बजे डेली क्विज चलाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह पे आपे जो लॉकडाउन जो कोरोना वायरस से जितने कोचिंग संस्थाएं कॉम्पिटेटिव क्लासेस बंद है उसकी फ़ायदा आप उठा सकते हैं घर बैठे दोस्तों। तो ठीक है, इस तरह आपको जो आज का स्टेटस जीके मैं 15 लेकर आया, अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेट अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज।